हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर आलू मटर की सूखी सब्जी की रेसिपी। सर्दियों का सीज़न चल रहा है, आप जानते ही हैं कि मटर और गाजर तो बहुत अच्छी आती है इस सीज़न में। तो मैंने गाजर आलू मटर की सूखी सब्जी बनाई थी, तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने गाजर ली 7 से 8, 1 बाउल मटर, अदरक और हरी मिर्च और 2 आलू कट करके लिए हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसमें हम जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें डालेंगे हींग। और इसके बाद हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें हरी मिर्च। थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च सभी चीज़ों को भुनने देंगे। फिर हम इसमें सबसे पहले कटे हुए आलू डाल देंगे, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आलू को हम बस 1 मिनट के लिए हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे। आलू हल्के से लाल हो गए हैं, इनको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई किया था। अगर इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं तो सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे आलू के साथ। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बाउल भर के हरी मटर। बहुत ही अच्छी मटर आ रही है इसमें, बिल्कुल मीठी सी। तो मटर को भी थोड़ा सा चला लेंगे आलू के साथ। उसके बाद हम डालेंगे कटी हुई गाजर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए चला लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम ढक के 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे। जब अच्छे से गाजर और मटर अच्छे से पक जाएगी, फिर हम और मसाले डालेंगे, क्योंकि आलू तो आधे पक चुके थे और अभी हमने ढक को इनको और भी अच्छे से पका लिया है। सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। फिर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें डालेंगे गरम मसाला। और अब हम इसमें कसूरी मेथी पाउडर थोड़ा सा और डालेंगे। हमने बिना प्याज और लहसुन की ये सब्जी बनाई है और ये फिर भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए और रख देंगे, जिससे कि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से सब्जी के अंदर तक पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम 1 मिनट के बाद देखेंगे, सभी मसाले अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो गए हैं और हमारी सब्जी तैयार है। इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये गाजर आलू मटर की सूखी सब्जी। इसको आप साइड डिश में आफ्टरनून में लंच के लिए या फिर डिनर के लिए भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल फ्राई टाइप से ये सब्जी दिख रही है। हमने इसको बिल्कुल कम तेल में बनाया और हमने बस इसे धीमी धीमी आँच में पकाया है, इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसे हमने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि लोहे की कढ़ाई में अगर मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बिल्कुल फ्राइड फ्राई सूखी सब्जी, इस तरह से आप कोई भी सब्जी बनाते हैं अगर आयरन की कढ़ाई में, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है।